स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम घूम रहे हैं बड़े दिनों बाद, तो आज के व्लॉग में घूम रहे हैं हम कोलकाता का रेल म्यूजियम, हावड़ा का। अरे भाई, हावड़ा कोलकाता का डिस्टेंस नदी का उस साइड है, कोई डिस्टेंस नहीं है। सबसे प्यार करते हैं हम, चलो आगे चलते हैं। प्यार करते हैं वो नहीं बताएंगे हम, हर किला भी। अरे भाई साहब, चलो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। पहली बात कि चलो अब तुम्हें हम रेल म्यूजियम का कुछ सैर कराते हैं। पुराने पुराने लोकोमोटिव्स और बोगीज बोल रहे हैं, फिर से हम कोच वो दिखाते हैं। इसको 1970 में बनाया गया, 70 नहीं कह रहा हूँ, 17 कह रहा हूँ। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बता रहा था मैं, तो ये नैरो गेज ट्रेन है, देखो ये है ना, नीचे से तुम्हें दिख रहा होगा, ये पटरी मत देखो, उसके बगल में भी उसको खड़ा करके रखा गया है। और ये एक एम्बुलेंस जैसा है, देख सकते हो। और पहली बात, इसी का बोगी है, हाँ इसी का बोगी है। और एक और पहली बात कि सबसे पहली बात, मैं अपना व्लॉग बोलते के साथ ही स्टार्ट हो गया है। चलो दिखाते हैं और खास खास चीज़ें, करें दिखाते हैं तुम्हें। को बहुत पहले का मालगाड़ी, कह रहे थे कि ये तो धुरंकल है, बट जो पीछे वाला तुम्हें इंजन दिख रहा है उसका, वो जो ऊपर वाला तुम्हें दिख रहा है, वहां पे पहले ड्राइवर बैठता था। भाई साहब चलाते कैसे थे, इलेक्ट्रिक, वो भी इलेक्ट्रिक इंजन है, बट कोई भी कहो एकदम तगड़ा लग रहा है इसका। तुम्हें रुको, नीचे का पार्ट पूरा दिखाते हैं। तो भैया जी, तुम्हें जो हमें लोकोमोटिव दिखाया है, ये चितरंजन वर्कशॉप में बना हुआ था, और ऊपर से ये इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। बहुत ही खतरनाक कति इंजन भी, तुम देख रहे हो इसका पहिया, देखो तुम। सर आप जाइए 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 जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा, मरा हुआ है, कोई बात नहीं। एक इधर भी इंजन है, ये तो फिलहाल चलता है, ये फिलहाल चलता है, ये डीजल इंजन है, बट इसका रुको स्पेसिफिकेशन अगर मुझे कहीं दिखता है तो तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। ऐसे किसी किसी का है, किसी किसी का नहीं भी है, नहीं बता पाएंगे तो बुरा मत मानिएगा भाई, जितना नॉलेज है उतना बता रहा हूँ, क्या पता नॉलेज गलत भी हो सकती है। कृपया अपने रिस्क के ऊपर देखें वीडियो को, मजाक कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, जो मुझे शक हो रहा है मैं बता ही नहीं रहा हूँ। अंदर फिर से चढ़ चुका है डीजल लोकोमोटिव का। क्या सर, क्या कति सुंदर लग रहे हैं, पर शादी हो जाएगी आपकी। ये जो कह रहे थे ना कि जो लोकोमोटिव है ना, ये अब से हमारा हो चुका है। ये सब आ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, दान कर देते हैं। चल चल, कह रहे थे ना कि जो पीछे वाला लोकोमोटिव देख रहे हो ना, ये कोयला से चलने वाला है, बहुत ही तगड़ा है। कह ये रहे थे, कितने बार कहते हैं बट फिर से कह रहे थे कि जो लोकोमोटिव है गद्दर मूवी में शायद यूज हुआ था, और ये इधर भी एक है, और ये हमारे ध्रुव अंकल को देख सकते हो, लील बांदर साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। ये लोकल ट्रेन चला के हॉर्न दबा रहे हैं अभी, ये हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं, ये नहीं है, एक नीचे भी रहता है ऊपर भी रहता है, आजकल नया मैं ऊपर आने लगा है, क्या पता क्या है, हम भाई साहब नहीं जानते हैं। भाई यही है रेल म्यूजियम, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जितना भी अच्छा है, एक तरीके से पार्क कह सकते हो, 30 रुपये टिकट है यहाँ का। रुपये देखे तुम सारे दिन घूम सकते हो, मतलब सारे दिन क्या, दोपहर में बंद रहता है। और हाँ, एक और बात कहना चाह रहे थे हम कि रेल म्यूजियम पहली बार ही विजिट कर रहा हूँ, बट मुझे उतना ज़्यादा डिटेल नहीं मिला, जैसे हर एक बोगी के पास जो लिखा हुआ रहता है वो डिटेल इसमें मिसिंग है। अच्छा है, आ सकते हो, पार्क की तरह आ सकते हो, आजकल पार्क बंद है बट ये खुला है, आ सकते हो। अब यूज रेल म्यूजियम की तरह हो नहीं रहा है, कपल्स ही घूम रहे हैं, मतलब पार्क की तरह यूज हो रहा है, समझ गए ना, समझ जाओ। अगर इसको रिसर्च करने के लिए वीडियो देख रहा है तो हम कहना ये चाहेंगे कि तुम इसमें आके अपने फ़ोन से वीडियो एंड फोटो दोनों क्लिक कर सकते हो, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, बट कैमराज DSLR एंड GoPros वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हो, समझ गए, एक्शन कैमराज और DSLRs और फ्रेमलेस कैमराज, मतलब जितने भी होते हैं बड़े कैमरा उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, अब व्यू देखो।
और इसमें एक और खासियत है यहाँ पे, ये हमको लगता है इसका लोकेशन, कि जैसे तुम रेल म्यूजियम में इंटर करते हो, थोड़ा अंदर आते हो, जो बीच में ट्रेन देख रहे हो उसके जस्ट उसके पीछे हावड़ा ब्रिज ओरिजिनल वाला है। तुम कहोगे कि हावड़ा ब्रिज भी और लोकल होता है क्या भाई? देखो अगर ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है, पाटली में तुम जाओगे तो वहाँ पे भी हावड़ा ब्रिज का एक रेप्लिका बनाया हुआ है छोटा सा, तो तुम्हें दूर से देखोगे तो लगेगा भरम हो जाता है वीडियो में, समझा करो। ये भाई साहब जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग करने का मन है। या कूद के ट्रेन पकड़ेंगे, अभी कूद के ट्रेन पकड़ेंगे। ये चलान हो गया, चलान करिए। पार्क अटैच साथ में रॉयल म्यूजियम तुमने देख लिया, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही डेली ब्लॉग्स देखने के लिए। बट डेली नाम कर रहा है क्या, डेली ब्लॉग्स बन नहीं रहे, कोशिश रहेगी कि बन जाए भाई कुछ अलग। मेरा वही तो चलते रहता है कि साला अलग अलग करने के चक्कर में ना बहुत कुछ अलग अलग हो जाता है। अब क्या ही हम बोले, इनको देखो कितने पतले मासूम लग रहे हैं अभी, क्या बोले इनको हम, पतले हो गए टेंशन से। और हाँ, ये टॉय ट्रेन का भी हमने मज़ा लिया, सब ठीक ठाक है, बट इसका टिकट थोड़ा महंगा है। हाँ एक और बताता हूँ, टिकट पैसा दो, टिकट नहीं मिलेगा जाके बैठ जाओ, अगला बार से आएंगे ना तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, टिकट नहीं लेंगे। नहीं साला कुछ सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर, जब गेट से एंट्री लिया ना तो टिकट फाड़ा भी नहीं, टिकट ले जाकर वापस रख दिया, वही वापस से सेल हो जाएगा, मतलब पेपर सेविंग भी मस्त जुगाड़ चल रहा है, सेफ पेपर। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में।